नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनका अखाड़ा के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जो सुसाइड नोट बाहर आया है उसको लेकर के और ज़्यादा विवाद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 7 पेज का सुसाइड नोट जब वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, बामुश्किल सिग्नेचर करते थे, तो उन्होंने क्या लिखा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हैंड राइटिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो लिख ही नहीं सकते थे। यहीं से पूरे मामले का जो है रहस्य वो गहराता जा रहा है। क्या उनकी हत्या की गई है? हत्या करके ये सुसाइड नोट बनाया गया है, फिर जो है जिम्मेदारी किसी और पर टाल दी गई है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जिस लेटे हनुमान मंदिर के महंत आद्या तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी, और उधर जो मुख्य अभियुक्त है आनंद गिरी, इनका जो नाम आ रहा है वो इनसे पहले से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, खास तौर से आनंद गिरी से। और आनंद गिरी का इनका आज का झगड़ा नहीं है, बहुत पुराना है। 2015 से ही जब उन्होंने कहा जा रहा है कि एक पेट्रोल पंप लेने की कोशिश की थी और उनका पेट्रोल पंप मंजूर भी हो गया था, आनंद गिरी के नाम से ले रहे थे, लेकिन जब आनंद गिरी के लक्षण उन्होंने देखे तब उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, वहीं से इससे झगड़ा शुरू हुआ। और इसके बाद जब इसी साल झगड़ा बढ़ गया तो इन्होंने सब जगह से उसको बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद समझौता हुआ, जिसका कि वीडियो जानबूझ करके वायरल कराया जा रहा है। अब समझौते के बाद लेकिन इनको एंट्री या कोई पद कहीं नहीं दिया गया, बस ये तय हुआ था कि तुम हमारे खिलाफ़ बयान नहीं दोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ़ बयान नहीं दूंगा। लेकिन सुसाइड नोट में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि आनंद तिवारी जो गिरी हैं, ये किसी महिला के माध्यम से गलत काम करते हुए मेरा मॉर्फ वीडियो वायरल कर सकते हैं, इस वजह से मैं सम्मान के साथ जीता रहा हूँ, सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ, मैं इसमें किसको सफाई दूंगा, वो जो है वो उनका कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा है। लेकिन इसकी अभी गारंटी नहीं है कि चिट्ठी असली है कि नहीं है, क्योंकि चिट्ठी भी अब सब कुछ सरफेस पे जो सुसाइड नोट है वो सामने आ चुका है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या सुसाइड नोट में जिसके बारे में बलबीर के बारे में इन्होंने मेंशन किया है वो अखाड़ा उनका उत्तराधिकारी उनको नियुक्त करता है? क्योंकि सामान्य तौर पर होता यही है कि जो गद्दी नसीन होता है, जो गद्दी पर बैठा होता है, वही अपने विल के थ्रू या तो अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है या वसीयत के थ्रू करता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट वहाँ पर चल रहा है। जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।